नमस्ते दोस्तों, हमारी YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, और ये है मूली की भरवा सब्जी। यदि आप इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये भरवा मूली बनाने के लिए देखिए, मैंने कुछ इस तरीके की दो मूली लेंगे हम, क्योंकि हमें दो मूली से बनाना है। तो इसको हम अच्छे से धुल लेंगे, साफ़ कर लेंगे और इसको हम टुकड़ों में काटेंगे। तो देखिए, हम इसको पहले छील लेते हैं। तो पिलर की सहायता से हम इसको छील लेंगे, जिससे कि इसमें जो मिट्टी लगी हो वो सब निकल जाए और इसके रेसे निकल जाएँ, क्योंकि रेसे में मिट्टी होती है। तो इसमें डालने के लिए मैंने 6-7 कली लहसुन लिया हुआ है, 1 प्याज लिया हुआ है और हरी मिर्च ली हुई है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। तो प्याज को मैंने बारीक काट लिया हुआ है और इन सबको हम ग्राइंड करेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है और तेल गर्म हो गया, तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच भर करके हम डाल देंगे इसमें सौंफ, और डाल देते हैं इसमें हल्दी, और अब डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली हुई है और इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च और लहसुन, और अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज और अदरक। तो हमें बहुत ज़्यादा मसाला इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इसमें 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च डाल देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, हमें पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको ड्राई कर लेते हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस हमें इसी तरीके से ड्राई करना है। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच खटाई पाउडर, ये अमचूर खटाई पाउडर है, अच्छे से मिक्स करते हैं। अब देखिए, मूली को मैंने अच्छे से धुल लिया है और साफ़ कर लिया है, तो इसको हमें कुछ इस तरीके के टुकड़ों में काटना है। तो मैंने इस तरीके से, मैंने 2 मूली ली हुई है तो मैंने काट लिया। अब हम क्या करते हैं, पिलर की सहायता से देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको, जिस तरीके से आलू की भरवा सब्जी बनती है तो निकाल लेते हैं, तो बस इसी तरीके से हमें अंदर का थोड़ा सा इसके भाग निकाल देना है। तो इससे आप बड़ी आसानी से निकल आता है। देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से निकाला हुआ, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सब निकाल लेना है, और मैंने 2 ये इस तरीके से की हुई है कि हम इस तरीके से भी आपको भरकर बताएंगे बीच से काट करके। तो देखिए, आप इस तरीके से, आप जिस तरीके से चाहें काट सकते हैं, और इसको हम फेंकेंगे नहीं, सैलड में डाल देंगे। तो अब हम, ये मसाला ठंडा हो गया है तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, बढ़िया सा ग्राइंड हुआ है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें कुछ इसी तरीके का मसाला चाहिए, अब हम इनको भर लेते हैं। तो भरने के लिए देखिए, कुछ इस तरीके से हम इनको भरेंगे, आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भरें, लेकिन हम इसको हाथ से ही भरेंगे। तो देखिए, अच्छे से भर गया है। तो कुछ इस तरीके से डाल करके पीछे से, चम्मच के पीछे भाग से इसको हम कुछ इस तरीके से दबा देंगे तो ये भर जाएगा आसानी से। तो बस इस तरीके से हमें अच्छे से इसमें भर देना है, आप देख सकते हैं कि बढ़िया से मसाला भर गया है। तो इस तरीके से यदि हम बनाएंगे तो इसका मसाला निकलेगा नहीं और ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी, लेकिन हमें हाथ से भरने में थोड़ा आसानी ज़्यादा रहती है। तो हम देखिए, हाथ से भर देते हैं इसको, बस इस तरीके से मैं इसमें भर देना है। तो सब इसी तरीके से हम भर लेंगे। और इसको भरना बिल्कुल आसान है, और इसका मसाला इसके अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। यदि इस तरीके से आप बनाते हैं तो इसका मसाला अंदर रहेगा। तो बस इस तरीके से देखिए, मैंने भर लिया है, ये बहुत आसान तरीके से भर जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। तो बस अब ये जो मैंने 2 तरीके किया है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से काटेंगे हम, नीचे से थोड़ा जुड़ा रहेगा, तो इसमें हम मसाला ये इस तरीके से भर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं।
बस इसको दबा देंगे और इसको भी हम इसी तरीके से काट लेते हैं। तो मैंने दो तरीके बनाए, आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं इसको। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, एक बार ज़रूर बनाकर देखें। तो मुलायम मूली लें, कड़ी मूली ना लें, मुलायम मूली से बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। तो देखिए ये इस तरह पीछे से जुड़ी हुई है, तो इसको भी हम इस तरीके से भर देंगे तो इसका भी मसाला निकलेगा नहीं। तो आप अपने मनपसंद हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से भर लिया है। अब हम पैन रखेंगे, इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल 2 चम्मच। तो तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम ये डाल देते हैं मूली। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है, जब मूली हम इसमें डालेंगे पैन में तो हाई रखेंगे। तो देखिए मैंने सब मूली डाल दी है और इसको अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए अब टास्क कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये अपने आप देखिए इस तरीके से घूम जाएंगी। आप चाहें तो कलछी की सहायता से भी कर सकते हैं। अच्छे से इनको पलट देते हैं, आसानी से पलट जाती है। इसको ढक करके हम 2 मिनट के लिए अभी पकाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, ये हमारी सब्ज़ी कुछ इस तरीके से पकी है, पर अभी ये पूरी तरीके से नहीं पकी है। तो यदि आप गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो इनको मैंने देखिए अच्छे से पलट दिया है, फिर अब इनको हम ढक देते हैं और 4 मिनट के लिए अभी हम इनको पकाएंगे। तो देखिए 4 मिनट हो गए हैं, एक बार मैंने बीच में इसको चला दिया था। तो बढ़िया सी ये सब्ज़ी हमारी देखिए बन गई है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल पक गई है और बहुत अच्छी तरीके से पकी है, आप देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बना लें, बड़ी आसान तरीके से ये बन जाती है और इसका मसाला भी नहीं निकलता है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है और इस सब्ज़ी को आप पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, साइड डिश में भी इसे रख सकते हैं। तो यदि हमारा भरवां मूली की सब्ज़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।